दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में भी, और बताया जा रहा है कि आज दिल्ली का सबसे ठंडा दिन यहां पर रहा है, 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ठंड को देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। 20 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, ताकि इस ठंड के कहर से बच्चों को बचाया जा सके। तो यूपी प्रशासन के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। तो दिल्ली में आज सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है, और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं किस तरह से अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं इस ठंड के कहर से बचने के लिए। तो ठंड का जो डबल अटैक है वो लगातार जारी है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी है, लेकिन उसका असर साफ तौर पर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, जो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया है, अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री रहने का अनुमान। और इसी स्थिति को देखते हुए यूपी प्रशासन की तरफ से 12वीं तक के स्कूलों को 20 दिसंबर तक के लिए बंद किया गया है।